हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पफ स्लीव की कटिंग करना सीखेंगे। पफ स्लीव के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। यहाँ से हमें 5 इंच की मार्किंग कर देनी है, इस तरह सीधी लाइन लगा देनी है। अब ये 5 इंच का प्लेस है, यहाँ पर हमारे प्लीट्स आएंगे पफ के लिए। इसके बाद हमारी लंबाई होगी, जितनी भी हमें लंबाई रखनी है। तो यहाँ पर मेरी 13.5 इंच है, आप जितनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। 2 इंच यहाँ पर फोल्ड करने के लिए है, लिया है कपड़ा। नॉर्मल जैसे स्लीव बनती है उसी तरह बनाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा मिला देंगे। यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी स्लीव बनती है उसी को हमें यहाँ से बनाना है और ऊपर से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 8.5 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहां से शेप देनी है इस तरह से और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहां से। ये शेप हमारी नॉर्मल स्लीव जैसे लगती है, इतनी स्लीव हमारी नॉर्मल जैसे कटती है। और एक्स्ट्रा यहां पर 5 इंच लिया है, यहां पर हमें वही 2.5 इंच ले लेना है। ये निशान है और ये निशान है, दोनों को हमें इस तरह से शेप देनी है। जैसे ये शेप दी है आर्म होल की, इसी तरह हमें इसकी शेप देनी है। यहाँ से मोहरी रखेंगे, यहाँ पे जितनी भी आपकी मोहरी है, यहाँ पर 5 इंच है मेरी। अब इन दोनों को मिला देना है। बाजू की हमारी पीछे की कटिंग हुई है, अब यहाँ पर हमें अंदर की भी कटिंग करनी है, जिससे कि प्रॉपर हमारी ये बाजू बैठे। जैसे नॉर्मल हम 1/2 इंच तक इस तरह अंदर से लेते हैं, ऐसे ही लेना है इसमें भी। इस तरह से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे तो कटिंग यहाँ से ऐसे करना है, ये बैक वाली साइड पहले कट करेंगे। और ये मार्जिन का है, मार्जिन का रखा हुआ है इतना 1.5 इंच मिलन रखा है और यहाँ से कटिंग करनी है। ये फ्रंट का है, इससे हमें एक को उठाना है इस तरह से, ऐसे उठा के यहाँ से ये कटिंग जरूर देनी है, नहीं तो यहाँ से हमारा कपड़ा खुलेगा। यहाँ से थोड़ा कट लगा लेंगे सेंटर का। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा प्लीट्स का निशान है, इतने में हमारे प्लीट्स आएंगे। बाकी हमारा जितना आर्म होल है उतना हम प्लीट्स डाल के इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेना है दूसरी साइड में, और ये बाजू को हमें इस तरह से खोल लेना है। तो बाजू को खोल के मैंने इस तरह से रख लिया है, ये भी हमें सीधा निशान लगा देना है, क्योंकि हमें ध्यान में रहेगा कि इतने में हमारे प्लेट्स आएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये 5 इंच से ज्यादा रखना है कपड़ा, ज्यादा आपको पफ चाहिए तो ये ज्यादा रख सकते हैं, 6, 7, 8 रख सकते हैं, तो ज्यादा पफ जो हमारे प्लेट्स हैं वो आएंगे। ये पॉइंट है, यहाँ से हमें 1.5 इंच के पॉइंट लगा लेने हैं, तो इजी रहेगा। अंदाज से भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे तो हमारे एकदम बराबर आएंगे सारे प्लेट्स। अब यही निशान हमें दूसरी तरफ लाने हैं, तो इस तरह पलटेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ा कपड़े को ऐसे दबा देना है, तो निशान हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, थोड़े थोड़े निशान आ गए हैं, अब इनको हमें डार्क कर लेना है। अब ये प्लीट है, इसे हमें यहाँ पर ऐसे कर लेना है फोल्ड करके, यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। इसके बाद इस साइड का प्लीट है, ये इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है ये प्लीट्स लेके, तो दोनों को बराबर इस तरह से लेना है, यहाँ पे पिन लगा देंगे। अगला प्लीट है, इसे भी हमें इस तरह से ऐसे बना लेना है और इसी तरह से ये आगे का। ये साइड है, यहाँ के प्लीट्स भी इसी तरह ऐसे सेट करके पिन लगा के सेट कर देने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये पिन्स लगा दी हैं और प्लीट्स सेट कर दिए हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जितना हमारे कुर्ती का या ब्लाउज का आर्म होल है, ये प्लीट्स हमारे उतने पड़ने चाहिए, उससे कम नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो छोटा हो जाएगा यहाँ से। ये ध्यान रखना है, दोनों साइड हमारे प्लीट्स डल गए हैं। अब इस तरह से हमारा ये सेंटर में ऐसे आएगा और यहाँ पर सिलाई लगा के इनको सेट कर लेना है प्लीट्स को। सिलाई लगा दी है और ये प्लीट्स हमारे इस तरह से आई हैं।
अब यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करके और फिटिंग की ये सिलाई है ये लगा देनी है और यहाँ से भी फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है और ये देखिए हमारा इस तरह से ये प्लेट्स आए हैं। अब इसे हमें आर्म होल के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही आसानी से एक पफ स्लीव बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर डिजाइन देना चाहते हैं डिजाइन भी दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस पफ स्लीव को हम बना सकते हैं। पफ स्लीव का ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।